हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बॉक्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचती रहें और लगातार आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम IRTC के ऐप पर लॉग इन कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले IRTC का ऐप खोल के उस पर लॉग इन कर लेते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल के माध्यम से जान ही लिया होगा दोस्तों। तो हम आपको बताएंगे कि कंफर्म टिकट आप तत्काल में कंफर्म टिकट आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि बार बार हम लोग ट्राई करने के बाद भी करीब 1 से 1.5 मिनट में पूरी टिकट बुक हो जाती है दोस्तों। तो हमारे पास वेटिंग निकल जाता है और वेटिंग किसी काम का नहीं होता दोस्तों। वेटिंग का कन्फर्म होना लगभग नामुमकिन होता है। तो इस प्रकार से जो ट्रिक मैं बताऊंगा उस ट्रिक से आप लोग बिल्कुल कंफर्म टिकट आपको मिलेगा 100% गारंटी के साथ। आप लोगों को इस ट्रिक के माध्यम से कंफर्म टिकट मिलेगा वो भी मात्र 30 से 40 सेकंड में। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे माई प्रोफाइल का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद से देखिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर मास्टर लिस्ट में, देखिए मैंने 2 ऑलरेडी नाम सेव करके रखा है। इसमें आप अपना डिटेल पूरा सेव कर लेते हैं मास्टर लिस्ट में दोस्तों, जैसे नाम, एज और जनरेशन, आपका आइडेंटिटी नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें सेव हो जाता है पहले से ही, जो आपकी आपको टिकट बुक करने के समय सेव करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहले से ही आपका आधा काम आसान हो जाता है। तो इसको कैसे सेव करते हैं और कहाँ पर इसका यूज होता है ये आपको वीडियो में आगे मैं बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए यहाँ पे राइट कॉर्नर में एड ए पैसेंजर का ऑप्शन है। एड पैसेंजर के ऑप्शन पे आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 2 नाम सेव किया हुआ है, आप लोग भी वैसे ही इजीली अपने किसी भी एक आईडी के मदद से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब एड पैसेंजर के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका नाम सेव करने के लिए ऑप्शन है, डेट ऑफ बर्थ, जनरेशन और यहाँ पर आपको बर्थ भी चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा बर्थ चाहिए, ऊपर या लोअर या फिर मिडिल या साइड मिल, जो भी आपको चाहिए जिसके हिसाब से खाली होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर आईडी कार्ड का और सबसे लास्ट का ऑप्शन है दोस्तों, वहाँ पर आप लोग अपना आईडी कार्ड पहले से ही रजिस्टर कर दीजिए तो आपको दोबारा वहाँ पर वेरीफाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सब डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है दोस्तों IRTC के माध्यम से, जो कि आप लोग इजीली बस वहां पर एक क्लिक से पूरा डिटेल फिल हो जाता है। तो चलिए हम यहां पर पूरा डिटेल भर लेते हैं और ये सब भरने के बाद से आपका पूरा जितना मतलब। और एक बात और दोस्तों, आप कभी भी पेमेंट करें तो UPI के माध्यम से करें। UPI में आप गूगल पे या फिर और भी बहुत सारे वॉलेट हैं, वॉलेट या फिर UPI के माध्यम से करने से क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है दोस्तों बहुत। आपको पेमेंट ऑप्शन में अगर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपका जल्दी UPI या फिर यहाँ पर वॉलेट से हो जाता है पेमेंट। तो इस प्रकार से आप लोग भी 30 से 40 सेकंड में आसानी से टिकट बुक कर लेंगे दोस्तों, मेरा ये गारंटी है, मैंने खुद ये बुक करके देखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बर्थ सभी आपको अवेलेबल है, लोअर मिडिल सब कुछ, जो आपको चाहिए अच्छा लगता है, जो भी आपको बर्थ अच्छा लगता है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फूड भी आप तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग आधार कार्ड से ही अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कीजिए क्योंकि आधार कार्ड ही सब जगह आपको दिखाना पड़ता है दोस्तों। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि आधार कार्ड से ही आप लोग भी अपना यहाँ पर वेरीफाई कम्प्लीट कीजिए। चलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड अपना डाल देते हैं, आधार कार्ड नंबर, उसके लिए आधार कार्ड नंबर अपना डाल के उसके बाद से यहाँ पर नाम, जिस प्रकार आपके आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम नाम यहाँ पे आपके टिकट में आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जनरेशन सब कुछ यहाँ पर, वहाँ पर जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना कंफर्म कर लेंगे और उसके बाद से इजीली वहाँ पर एक ही बस एक क्लिक में पूरा आपका ये सब फिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर देखिए ब्लू टिक लग गया, वेरीफाई भी हो गया और यहाँ पर डिटेल पूरा फुल्ली कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम लोग वापस आ जाते हैं और चलते हैं यहाँ पर प्लान माई जर्नी में। प्लान माई जर्नी के हिसाब से कोई भी एक डेस्टिनेशन आप लोग यहाँ पर चूज कर लीजिए। मैंने भी यहाँ पर
चूज करके यहाँ पे जो डिस्टिनेशन है आप लोग जिस पे चिट करना चाहते हैं आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर नीचे में जनरल जो है वहाँ पे तत्काल कर दीजिए, तत्काल करने के बाद से आपका एक दिन के बाद का टिकट मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक दिन के बाद का डेट डाल देता हूँ और सर्च करता हूँ कोई टिकट अवेलेबल है कि नहीं। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक टिकट ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पे जो आपने सब कुछ फिल किया है वो यहाँ पे आपको कैसे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पर मेरा एक टिकट सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए एड न्यू पैसेंजर का ऑप्शन है, उसके बाद से एड इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एड एक्सटर्नल का। एक एक्सटर्नल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए इजीली पूरा सब कुछ आराम से आ गया, तीनों के तीनों डिटेल एक ही बार में आ गया। अलग अलग आपको भरने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इसमें से या तो एक रखना चाहें, दो रखना चाहें, जितना रखना चाहें आप लोग आराम से यहाँ पर रख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको एक रखना है तो एक रखो, नहीं तो तीनों साथ में रखना है आपके। इस प्रकार से मतलब तीन अगर टिकट निकालना है, चार टिकट निकालना है तो आपको इस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को एक ही बार में सब डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप अपना पैसेंजर का कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पर जो ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा जो फटाफट अपना जितना शॉर्टकट में हो सकता है उतना शॉर्टकट में आप एड्रेस फिलअप करके यहाँ पे पिन कोड अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए दोस्तों। एरिया पिन कोड डालने के बाद से यहाँ पे सिटी स्टेट और पोस्ट ऑफिस नंबर आपका यहाँ पे जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे चूज कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस और एरिया सब कुछ सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक होता तो आपको यहाँ पर अलर्ट करता है, तो उसको सुधार लीजिए तुरंत ही। हालांकि इस प्रकार से एड्रेस में मिस्टेक होता नहीं आमतौर से दोस्तों। यहाँ पर देखिए सुधर गया है और यहाँ पर सब कुछ फिल होने के बाद से सबसे लास्ट में यहाँ पर सब कुछ फिल हो जाने के बाद से यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दोस्तों आ जाता है आपका। पेमेंट और इंश्योरेंस का दो ऑप्शन आपका बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर पेमेंट आप लोग UPI द्वारा ही कीजिए तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पर इंश्योरेंस लेना आपके ऊपर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, मैं तो कहता हूँ आप इंश्योरेंस के ट्रैवल ना करें, इंश्योरेंस ज़रूर कराएं अपने टिकट का। और यहाँ पर देखिए पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हमने और यहाँ पर देखिए उसके बाद से ये ऑप्शन खुल गया है हमारे। यहाँ पे बस एक कैप्चा डालेंगे उसके बाद से सब कुछ देखिए यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पर आपका टिकट और पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। ईजिली ये सारा प्रोसेस आप 30-40 सेकेंड में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक कैप्चा डालिए, कैप्चा डालने के बाद से प्रोड्यूस पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसमें आप पेमेंट करना सिर्फ बैलेंस रहेगा। उसके बाद से आप इजीली पेमेंट करके आप अपना टिकट कंफर्म बिल्कुल ले सकते हैं। जो 2 से 3 मिनट आपको लगता है वो आपका टाइम मतलब आधा टाइम बच जाने वाला दोस्तों। 30 से 40 सेकेंड में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों का टिकट बुक हो जाएगा और आप लोगों को 100% कंफर्म टिकट मिलेगा दोस्तों। जो हम बुक करते करते देखते हैं टिकट अवेलेबल है, लेकिन बुक करते करते जब तक हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होता है तब तक वहां पर टिकट वेटिंग हमारी हो जाती है। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ इसी प्रकार से अपने फ़ोन से मैं कई बार टिकट बुक कर चुका हूँ और आप लोग भी बुक कर सकते हैं। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, 100% आप लोगों को कन्फर्म टिकट मिलेगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों, और कोई किसी प्रकार की आप लोगों की राय होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका एक्सपीरियंस इस वीडियो से कैसा रहा वो भी मुझे बता